हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आज से हर आदमी का सलाह दियो ओला ना लियो। बहुत अच्छी चलती है ओला भाई, इसको पैदल चलाना पड़ता है। हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दिसंबर में पानी बरसने लग गया। वेलकम बैक टू द वेरी न्यू ब्लॉग ऑफ डेट सीरीज। आई एम योर होस्ट सेक्शन। दिस ब्लॉग आपका सपोर्ट हमारा विस्फोट। अभी हम चाय वाय लेके आए पीने छत पे। बारिश हो रही है अभी, देखो सुबह सुबह उठ के आए हम। सुबह उठो, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड। ऐसे आज हमको लखनऊ भी जाना था, लेकिन अभी अभी बारिश की वजह से 50-50 चांस। वो जो हल्दीराम की आलू भुजिया होती है, उसको कभी ऐसे चूरे में मिला के खाना, मजा ना आ जाना तो मेरा नाम यही रहने देना। दिसंबर, दिसंबर का पहला सोमवार, सोमवार को हम लोग जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने। बारिश प्रॉपर हो रही है, ऐसा लग रहा सावन है। तो गाड़ी चल रही ना तो और पेल के ठंडक लग रही, एकदम चिल्ड। हर हर महादेव, धन्यवाद महादेव 5000 के लिए, धन्यवाद महादेव हर चीज के लिए। सोच रहा बाइक पर कर रहे सेलिब्रेशन, लेकिन महादेव खुद अपने पास बुला के रहे, तुम यहाँ करो सेलिब्रेशन। तुम मेरा धन्यवाद करो, धन्यवाद महादेव फॉर एवरीथिंग। पिछले आधे घंटे से बारिश हो रही है, हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं। इत्मीनान से दर्शन कर रहे हैं इधर कुएं पे बैठ के। तो हनुमान गढ़ी भी नहीं जा सकते दर्शन करने के, देखो क्या बारिश हो रही है। देख रहे हो, जब बंद होगी तभी इधर से निकलना ही निकलना होगा। कुएं पे ही बैठे आराम से, थोड़ा बारिश से बचे हुए। इंतजार नहीं किया, बारिश में भीगते भीगते ही आ गए। अभी देखो सब भीग गए, ब्लोअर वगैरह पूरी भीग गई थी बारिश में, तो हमने ब्लोअर लगा लिया। अभी ये सुखाया भैया, ये बहुत यूजफुल है ठंडक में। जो चड्डी अड्डी नहीं सूखती वो भी इसी के सामने सुखाई जाती है। इस मौसम में अगर कुछ सबसे बेहतरीन हो सकता है तो वो ये मोमोज। क्या करें भैया, रोज बनते हैं। अभी भी भाई इट्स रेनिंग, सुबह से लेके शाम तक की अभी तक बरस ही रहा है। पीछे कुछ फंक्शन वगैरह है घर में, दरअसल फंक्शन होता है तो इधर जगह पड़ी ना, तो ये मोहल्ले वाले इधर ही कर लेते। तो भाई हम आए थे कार निकालने, हमको जाना था कहीं पे, तो वही पीछे पर्दे वगैरह हट रहे हैं, वो हट जाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे हम। ये देखो पूरे प्लॉट पे ऐसा टेंट वेंट बंधा है, गाड़ी निकालने में सबसे ज्यादा नरक तो आज यही है। देखो वहां से हम निकाल के ला रहे हैं गाड़ी, सजा हुआ है टेंट से। इतना ऊटपटांग मौसम हो रहा है इस बार की ठंडक में बारिश, गर्मी में बारिश, बारिश में बहुत ज्यादा बारिश, बाढ़ वाड़ आ जा रही है ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन जिसको कहते हैं ना, इस साल देखने को मिला है। देखो पूरा बाराबंकी अपना भीगा भीगा सा है भाई। अभी हम लखनऊ तक गए थे, जाते टाइम भी बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो ही रही है। ये साला ट्रैफिक बाराबंकी में भी लगने लगा। बारिश का भैया कोई वही नहीं हो रहा है, ये दो चार दिन में बंद हो जाएगी। अभी कुछ दिन बाद हमको लगभग, जब ये ब्लॉग देखोगे उसके 2 दिन बाद हमको निकलने का है बिहार। आए थे यहाँ पे दूध लेने, लेकिन हमको सामने दिख गई है मूंगफली। जाते भैया मूंगफली पैक कराने, आज खाने का मन हो गया, जाते टाइम वो लेके जाना है, याद दिला देना। अभी भी शाम को एक ऐसा लोचा हो गया ओला में, रवि भाई की ओला है ये। हम मतलब रूह कांप गई भाई, आगे अगर कभी ओला लेना हो ये तो हम ना ले भाई, ठीक है साथ दिक्कत यह है। अभी लग रहा है बिल्कुल एकदम नॉर्मल ओला है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने पार्क वो स्टैंड हटा दिया, अभी प्रॉपर राइडिंग मोड लगने के लिए तैयार है। लगाया स्कूटर इशू चेंज टू पार्क मोड, चलो ठीक है हमने ये भी कर दिया। अब बता रहा है रिस्टार्ट करो, रिस्टार्ट कर दिया। अब ये थोड़ी देर 5 मिनट रिस्टार्ट होगी। ओनर से मिले थे, कितने किलोमीटर आज लुढ़काए हो भाई? 3 किलोमीटर लुढ़का के लाया है आज ये, मतलब चली बढ़ ही नहीं रही आगे। अभी फिर से रिस्टार्ट हो रही, फिर से पासवर्ड लेगी, फिर से जैसे राइडिंग मोड लगाएंगे आगे चलने के लिए, बस जैसे ही थ्रोटल दो बता देगा चेंज टू पार्क मोड, स्कूटर इशू। कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा ओला से भी। हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मोए मोए हुआ। पासवर्ड फिर डाल लें। तो अभी फिर से हमने स्टैंड हटाया, ये ब्रेक दबाई राइडिंग के लिए, यही खखेड़ चल रहा लगातार, बढ़ नहीं रही आगे। ये देखो नॉर्मल दिखा रहा है, बढ़ नहीं रही आगे, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद जब वापस से पार कर रहे हैं इसे, रिस्टार्ट करो,
अभी जितना प्रोसेस हुआ है भाई फिर से आज के बाद ओला मत लेना भाई, अपनी रॉकेट इससे अच्छी चलती है। इतनी यूजलेस चीजें हैं कुछ इसमें, सॉफ्टवेयर का कोई सपोर्ट नहीं, कोई अपडेट नहीं, बस जो दे दिया भाई चलना। नॉर्मल चलना है स्कूटर से यार, थ्रोटल दे दो, मोटर दे दो, मोड दे दो, चाबी दे दो, अब इसमें इतना लफड़ा पासवर्ड ये सब डालो क्या मतलब है इसका। ओला से जीव भगवा भाई हमरा, ना लियो ओला। अबे 3 किलोमीटर अगर 140,000 लगाए के 3 किलोमीटर लुढ़काना पड़े तो ऑटो करके ना चला अबे 20 रुपए। हाँ इमा आग लग जीते तो सुकून रहते कि चलो आग तो लगी, फिर से वही पूरा चल रहा अभी, फिर से यू ऑन हुई है, फिर से सब डालो, यही सब है। उम्मीद नहीं है सही होगी, बता रहे वहाँ फोन किया जब कस्टमर के, बता रहे तार चूहा काट दिया होगा, पूरा सील पैक है चूहा, कहाँ पानी नहीं जाता चूहा घुस जाएगा। 1,40,000 में वहाँ गाना भी चलिए, सब कुछ चलिए, इंडिकेटर भी चलिए, गाड़ी ना चलिए। चेंज टू पार्क मोड, खड़ी कर दे भाई, रिस्टार्ट कर दे, घर लेके जा, 100 मीटर बचा जो घर पर खड़ी कर दो। आज से हर आदमी का सलाह दियो ओला ना लियो, बंद भी जाएगी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वही है कि रिलायबिलिटी नहीं रहेगी भाई, जब कहीं जा रहे तो एक फियर रहेगा कि ऐसे अगर बंद हो गई तो फिर वहीं खड़ी सब कुछ ठीक है। नहीं चल रही स्कूटर ही सू पैदल ले जाओ भाई, तो देखो अब ओला चलेगी बढ़िया, बन जाएगी सब कुछ ठीक है, लेकिन वही है कि एक टेंशन रहेगी हमेशा कि अगर कभी बंद हुई तो भैया काम खत्म। भाई हमारा जा रहा है स्कूटी को लेकर, ओला ना लियो, हम कह रहे हैं ओला ना लियो। लेग की एक्सरसाइज हो गया तुम्हारी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चलती है ओला भाई, इसको पैदल चलाना पड़ता है। 3 किलोमीटर पैदल जो नापे 140 लगाने के बाद में इसको पैदल चलाना पड़ता है। यही था आज के ब्लॉग में भाई, बहुत बड़ा इशू है ओला का ये कि मतलब ऐसे चल रहे हो आप, हम कह रहे हैं बन भी जाएगी लेकिन तब भी एक ऐसा फियर रहेगा दिमाग में कि कहाँ पे ऐसे खड़ी हो जाएगी, ये चीज कैसे फिक्स होगी किसी को नहीं पता। ओला का कोई सपोर्ट नहीं है तो एक इज्जत जो थी ना ओला की वो बिल्कुल धुल चुकी है, तो हमने कहा ये चीज शेयर करनी चाहिए। तो अभी इनफ फॉर टुडेज ब्लॉग, अभी ब्लॉग करते हैं खत्म, अगर की ब्लॉग देख रहे हो सब्सक्राइब करो चैनल लेट्स रीच कनेक्टेड फॉर मोर न्यू ब्लॉगर, तब तक के लिए भाई अभी बच चुका है 9:30। अभी अनुराग वाली ओला चाहिए लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी दिक्कत आ सकती है, वो आज उसको देखा लेके आ रहा, उसे पूछा बताया भाई 3 किलोमीटर से पैदल लेके आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ी, चलते चलते बंद हुई, बकवास ओला। अभी फिलहाल खाने में है आलू के पराठे चटनी, ऐसी पार्टी चलती रहती है, खा लेते हैं, ब्लॉग भी खत्म।